लोग इन 27 जून को कानपुर देहात जिले के दौरे पर रहेंगे। प्राचीन मंदिर में दर्शन के बाद प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद कानपुर शहर के लिए होंगे रवाना। समस्तीपुर एलजेपी में अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्वनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पाल को दी बधाई। पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कही बात। मधेपुरा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम जनता में आक्रोश। विभिन्न गली मोहल्लों में लोगों को सरकार के इस दमनकारी रवैये के लिए किया गया जागरूक। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह के खिलाफ छिड़ा अभियान। पुलिस और क्राइम ब्रांच को बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पहल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को कानपुर देहात जिले का दौरा करेंगे। वो अपने पैतृक गांव यहां पर पोरा खाएंगे, जहां प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के बाद प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। फिर पूरे दिन 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देर शाम कानपुर शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति को यहां आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। उनके दौरे को लेकर जिलाधिकारी लगातार यहां पर गांव में तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही तैयारियों को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो लोजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर समस्तीपुर लोजपा नगर कार्यालय में पूर्व विधायक सह जिला लोजपा अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को बधाई दी। साथ ही मीडिया से बातचीत करने के दौरान पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी को रामविलास पासवान की विचारधारा पर छुराकर पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बात कही है। पार्टी हमारी 17 तारीख को नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है, और चुनने के बाद आशा करता हूं कि जो माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी ये अपने पद को सही दुरुपयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी में हमारे जितने स्क्रूटी कमेटी के मेंबर थे वह पार्टी में आके अपना साइन किए, वोटिंग किए, साथ ही आमंत्रित सदस्य भी थे। तो दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की यहां पर कमर तोड़ कर रख दी है। लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। इसी कड़ी में मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष हैं विकास कुमार राजा, जिनके नेतृत्व में मधेपुरा के विभिन्न यहां पर गलियों में मोहल्लों में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर यहां सरकार के इस दमनकारी रवैये को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत लोगों के घरों में जाकर मोदी सरकार विरोधी स्टीकर भी यहां पर लगाए गए। कमर तोड़ महंगाई है, जब इससे ही भाजपा सरकार आई है महंगाई छा गई है। बार बार डीजल और पेट्रोल का दाम को बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। इस पर मोदी सरकार को जो है अंकुश लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो कच्चा तेल का मामला है वो 30 रुपये से 35 रुपये पड़ता है। ये वैट सब्सिडी जो है मोदी सरकार का हटा करके और किसान के हित में डीजल पर जो है काम करना चाहिए। और रही बात गैस की, गैस 912 रुपये में गैस का जो है रसीद करता है, मूल कीमत है, और यहाँ घर तक आते आते 950 रुपया में गैस मिलता है। इसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था। यह महंगाई जो है दिन दुनी रात सुगुनी हो रही है। देश में महंगाई का मुख्य कारण जो है या पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो या बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हर तबका परेशान है। व्यापारी वर्ग अलग परेशान है, छात्र और युवा अलग परेशान है महंगाई से। और इसमें प्राइस हाइक जो है मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल के कारण हो रहा है। आज गृहिणी जो है गैस का दाम 950 रुपया सिलेंडर हो गया है,
और यह जो तेल का दाम जो है यह 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल हो गया है, 92 रुपया जो है डीजल का दाम हो गया है, और कड़वा तेल जो है जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका 200 रुपया से ऊपर लीटर हो गया, जिस कारण से हर वक्त तबाह है। तो राजधानी पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ जाग कार्यकर्ताओं का आक्रोश एक बार फिर से देखने को मिला। बड़े पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर जारी विरोध के कड़ी में जाग समर्थकों ने शहर के इंजीनियरिंग मोड से यहां पर एनआईटी गोलंबर तक लाचार विचार भैंस मार्च निकाला। इस मार्च में समर्थकों ने अपने दो पहिया वाहनों को भैंस से खिंचवाया, साथ ही इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर जाग सदस्यों ने सरकार से पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़े कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की। महंगी सरकार से पेट्रोल डीजल की महंगाई, हम उसने पूछना चाहते हैं कि अब 100 के पार डीजल पेट्रोल क्या अब आप जवाब दीजिएगा उन तमाम बिंदुओं को लेकर के, जब महंगाई बेतहाशा इस तरह से बढ़ती जा रही है, देश की जनता इब लाचार सरकार पर विचार करने के लिए सड़कों पर उतरी है, और हमारे राजेश रंजन पप्पू जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव उनके नेतृत्व में, हमारे अनजान जानवर भी जो अनबोलता धन इस हिंदुस्तान में कहा जाता है, जो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी मौन प्रदर्शन बिना बोले ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार विचार करो और लाचार इसी को छोड़ो और महंगाई को खत्म करो, अपनी सब्सिडी जो है, जो आपका टैक्स है, जो आपका भैट है, वो कम कर करके आप चाहे तो देश की जनता को आप महंगाई से निजात दिला सकते हैं, लेकिन आपको कुर्सी प्यारा है और आप देश को इस कदर आप महंगाई की मार से मारे जा रहे हैं कि जनता आज परेशान है। तो जनपद कानपुर से इलाज के नाम पर लूट खसोट मचाए जाने के मामले यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। जनपद के तुलसी नामक निजी अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित महिला से 26 दिनों में 19 लाख चार्ज लिया गया है। इस मामले में परिजनों ने अस्पताल पर एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 55,000 चार्ज किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि दवा नगर निवासी अतुल देव ने अपनी मां को कोरोना के लक्षणों की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अतुल को 3,30,000 रुपए देने पड़े। साथ ही हर हफ्ते इलाज के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए यहां पर एडवांस जमा करवाया गया। 26 दिनों की लड़ाई के बाद अतुल की मां कोरोना से जंग हार गई। इस मामले में अतुल ने जर्नलिस्ट यूनियन को सारी बातें बताते हुए मदद की गुहार लगाई। मेरा नाम अतुल देव है। क्या मामला है आपका? मेरी माता जी श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया, तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने आचल डॉक्टर आचल कपूर के अंदर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी, तो उनको आईसी डॉक्टर आचार्य कपूर ने बोला कि आपको आइसोलेशन करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल में शेखर गुप्ता से मुझसे जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए, तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको डॉक्टर पी के यादव को आप पैसा दे के ले सकते हैं। तो डॉक्टर पी के यादव से मैंने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 इंजेक्शन लिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 3,30,000 रुपये है, जो इंजेक्शन लिए मैंने डॉक्टर पी के यादव से। उसके बाद में उन्होंने हमसे हर हफ्ते 2 लाख कोविड होने के बाद में, वैसे ही हमसे 23 तारीख से हर दिन 20,000-25,000 रुपये डेली जमा करवाते थे, डेली का चार्जेस बोल के। यार देखो तो जहाँ पे लोग जितना पैसा मांगे उतना पैसा फेंक रहे हैं सर, कैसे पैसे फेंका है ना? मतलब 55,000 के इंजेक्शन लिए आपसे तब से, मतलब तो 2,000 रुपए का इंजेक्शन आप, क्योंकि आपने 55,000 रुपया कर लिया था, मैंने इसलिए लिया कि नहीं लिया, क्यों लिया? ताकि मेरी मम्मी सही हो जाए। तीन अकाउंट सोचे तीनों अकाउंट खाली हो गए हैं, तब भी किसी तरह की मम्मी बच जाए, जो जितना बताया उन्होंने वो, मतलब 20-30,000 रुपए की दवाइयाँ उन्होंने पर डे है, कोई बात नहीं है, मतलब वो है नहीं, मतलब इंजेक्शन आप समझिए 3 लाख रुपए के इंजेक्शन लिए हैं,
आप तो सब जानते ही हो, आप ये तीन लाख रुपए के इंजेक्टर आप समझ रहे हो, इनकी कीमत केवल कितनी है? 2000 रुपए के इंजेक्टर। अरे सर 2000 के इंजेक्टर 12000 उनकी 55,000 की है, कभी सोचा ही नहीं कैसे खर्च करते हो कि हाँ मम्मी सही हो जाए, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही सर। मैंने सोची क्या बीत रहा होगा, कानपुर में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान छेड़ा है। कमिश्नर ने पूरे शहर के थाना प्रभारी, ईसीबी और क्राइम ब्रांच को यहां बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह को पकड़ने के निर्देश दिए, साथ ही ऐसे बच्चों के माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। इस आदेश पर कार्रवाई के तहत पुलिस ने परेड चौराहे से यहां भीख मांगने वाले 7 बच्चों को पकड़ा है। बच्चों की गिरफ्तारी के बाद इन बच्चों को जबरदस्ती भीख मांगे जाने के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में इन बच्चों के माता पिता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश से कानपुर नगर में क्लीन चौराहा के नाम से एक अभियान चला करके जो भी बच्चे लावारिस होते हैं या जो भी भिक्षा मांगने के लिए लोग उत्पीड़ित करते हैं, इन गिरोह के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाकर करीब 7 बच्चों को हम लोगों ने बरामद किया है, जिसमें से 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, और इसके पीछे जो लोग भी हैं उस रैकेट की जानकारी कर उनका बंडा फोड़ कर वैधानिक कार्रवाई की। कानपुर नगर पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, ऐसे बच्चे जिनको सड़क पर लगाया जाता है भीख मांगने के लिए उनको बचाने का, और इसमें आज और कार्रवाई करते हुए ऐसे 7 और बच्चों को रिकवर किया गया है, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो एक थाना सरकार ने बनाया है वो इसमें कार्रवाई कर रहा है। इन बच्चों को रिकवर करके सुरक्षित सरकारी गृह में रखा जाएगा और उनको पढ़ाई लिखाई का उनका प्रबंध किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं जो इन बच्चों को इस काम में लगा रहे हैं और कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो इसमें मिले हुए हैं और थोड़े से पैसे के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में विद्यालयों के बंद होने से कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिक्षा यहां पर बाधित हो रही है। इसी को देखते हुए झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुमका जिले के सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाठी में शिक्षकों ने अनूठी पहल की है। शिक्षकों ने बच्चों को गांव में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर माइक और लाउडस्पीकर के जरिए पढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने यहां डीडी साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा सके, पर ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन हर किसी के पास नहीं होने की वजह से उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाठी के शिक्षकों ने यह सराहनीय कदम उठाया। स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा मैट्रिक और 12वीं क्लास को शुरू किया गया था, उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन कोरोना के सेकेंड वेव के मद्देनजर दोबारा सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और बच्चों के शिक्षण को ऑनलाइन के जरिए देने के लिए विभाग का आदेश आया हुआ है। डीजी साहब के द्वारा व्हाट्सएप में बच्चों को डिजिटल कंटेंट भेजा जा रहा है, उनके ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। काठी स्कूल के गांव और टोले में जो पढ़ाई चली थी उसे स्थगित कर दिया कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज फिर 45-46 दिनों बाद काफ़ी संख्या में लोग संक्रमितों की संख्या घटी है, तो हम लोगों ने पुनः मोहल्ला क्लास शुरू कर दिया और हमारे यहाँ 256 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें मात्र 33 बच्चों के पास स्मार्टफोन है, जिससे सभी बच्चे लाभ नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं, जो कंटेंट हम लोग आता है हमारे यहाँ तो हम लाउडस्पीकर से और स्पीकर लगाकर बच्चों को उस कंटेंट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो
माइक और लाउड स्पीकर के जरिए यहाँ पर तमाम बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। दुमका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर माइक और लाउड स्पीकर के जरिए इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये सराहनीय कदम उठाया गया है जिससे अब बच्चों की मदद हो सकेगी। जी हाँ, बनकाठी के शिक्षकों की तरफ से ये अनूठी पहल की गई है। इस अनूठी पहल से सभी बच्चों के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी भी नजर आ रही है, तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में विद्यालय जिस तरीके से बंद हैं, उन विद्यालयों के बंद होने की वजह से कई बच्चों ऐसे हैं जिनकी शिक्षा बाधित हो रही है और इन्हीं तमाम चीजों को दूर करने के लिए यहां पर माइक के जरिए, लाउडस्पीकर के जरिए इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है जिस वजह से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, इसीलिए शिक्षकों की तरफ से ये सराहनीय कदम उठाया गया है जिसमें लाउडस्पीकर के माध्यम से, माइक के माध्यम से और चैट के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिहार में कई जिलों में गंडक नदी का कहर देखने को मिल रहा है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति खड़ी हो गई है। सारण जिले की बात करें तो सारण जिले के पानापुर प्रखंड में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के साथ बांध के निचले क्षेत्र सलीमपुर, सोनबरसा और रामपुर रुद्र 61 में दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। सलीमपुर सोनबरसा में तेज कटाव की वजह से बचाव के लिए जो नदी से कटता है, नदी के पानी की धारा से जो जमीन कटता है, उस जमीन को रोकने के लिए हम लोग काफ़ी बहुत दिनों से प्रयासरत थे और कह रहे थे, प्रशासन तक ये बात पहुंचाया जाता था कि इसको नदी के उस साइड में जो बियर है उसको बीचे बीच 30 फीट गहरा और 200 फीट चौड़ाई में अगर नाला टाइप का चिरवा दिया जाए तो नदी का धारा सीधे मुड़ जाएगा और ये जमीन का जो कटाव है ये कटाव से आदमी वंचित हो जाता। अररिया की फारबिसगंज नगर परिषद इन दिनों लूट का अड्डा बनता जा रहा है। नगर परिषद लूट की संस्कृति से उबर नहीं पा रहा है। विगत एक साल से नगर परिषद के गोदाम में यहां खरीदे गए करीब 210 डस्टबिन जंग की भेंट चढ़ गए हैं। इस डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो विगत 3 जुलाई 2020 को यहां पर लगभग 45.53 लाख की लागत से 200 डस्टबिन खरीदे गए थे। शहर के विभिन्न जगहों पर कचरा और गंदगी को लेकर इसे यहां पर डस्टबिन की जरूरत बताई गई थी मगर आज तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विगत एक साल से गोदाम में सभी डस्टबिन को जंग के हवाले कर दिया गया लेकिन इन तमाम डस्टबिन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो पाया है। ये 14 महीना पहले ये डस्टबिन को खरीदा गया था शहर के साफ सफाई में सहयोग के लिए, लेकिन चेयरमैन ने इसे एक कचरे के डिब्बा में कचरे के गोदाम में फेंक रखा, इसे सरा रहा है और नई टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है जो नई टेंडर करीबन 70 लाख का होने वाला है। पहले का डस्टबिन अभी तक लगाया नहीं गया है और नई डस्टबिन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लगने से लोगों को तो फायदा मिलता था, लोगों को फायदा मिलता, शहर साफ रहता, लेकिन इससे नगर परिषद के चेयरमैन को कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने पैसे और पीसी से ही मतलब है। यूं तो बिहार में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति खड़ी हो गई है पर कई ऐसे भी इलाके हैं जहां बारिश का पानी तबाही मचा रहा है। मधुबनी जिले के झांझरपुर में विकास का एक यहां पर किस तरीके का पुलिंदा बंधा हुआ था वो सबके सामने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां मामूली बारिश ने झांझरपुर स्टेशन वासियों को परेशानी में डाल दिया। दरअसल पानी बहाव के रास्ते को बंद कर आवासीय घर बना देने की वजह से ये यहां पर हालत खड़ी हो गई है। विधायक, एमपी, मंत्री से लेकर जिले के बड़े अधिकारियों ने भी नजारा देखा है, बावजूद यहां पर समाधान जल निकासी का नहीं हुआ जिससे लोगों को परेशानियों का आज सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या तो विकराल रूप आज से नहीं, 3-4 साल से लगातार है। इस संबंध में कितने पत्राचार किए गए और ये समस्या का मुख्य कारण है नेचुरल ड्रेनेज बंद होने के कारण ये समस्या है और ये मोटर पंप लगा करके
सिर्फ जो है खाना पूर्ति की जाती है, जिससे इसका समाधान संभव ही नहीं है। बरसात में जो क्या हालत है वो अभी आप देख ही रहे हैं। सुबह पानी निकलता है तो शाम में आ जाता है, शाम में निकलता है, कोई ऑथेंटिक नहीं है कि कब पानी रहेगा और कब नहीं रहेगा। कैमूर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सब्जी दुकान में चोरी करने गए चोर की यहां पर मौत बिजली की चपेट में आने से हो गई। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। मामला नुआव बाजार का है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस से लोगों को समझाने में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि मृतक अब्दुल कासिम सब्जी दुकान में चोरी की नीयत से गया था, जहां बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि घर से आलू उतारने के लिए उसको बुलाया गया था और उसको यहां पर उसकी पिटाई करके उसको मार डाला गया। परिजनों ने अभी तक थाने में आवेदन नहीं दिया है। उधर पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना 5 बजे जो है लड़का को बुलाया, समझे नहीं, ले गया कि चलो आलू उतारे के बाद। आलू उतारे में चप्पल भी चप्पल दुकान में। घटना के विषय में कुछ आप जान रहे हैं? हाँ, उसको फांसी दिया गया है, उसको फांसी मेरठ में केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने जनता को संबोधित किया। मौके पर टिकैत ने केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग के साथ साथ अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मेरठ यहाँ पर एक तो केएमसी हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें भी करीब 350 के लोग मरे। भाई सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उसकी जांच करे। सारे लोग रात को मरे, कैसे मर गए, और 4, 5 और 6 दिन के अंदर अंदर मरे, तो क्या लूटता था दिन कि जिसपे 5, 6, 8, 10 लाख रुपए थे वे ले लिए, आदमी का आदमी मार दिया। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, पूरी जांच इसके खिलाफ हो, ठीक है, ये सारा काम होना चाहिए। बहुत लोग तो रात को ठीक ठाक भर्ती करे, उसको नहीं मरे पाए, इसकी जांच हो जाए, नहीं तो वहां पे प्रदर्शन होगा। तो बिहार में लोजपा में चाचा भतीजे की यहां पर सियासी जंग भले ही थमती हुई नजर नहीं आ रही है, मगर इस लड़ाई में चिराग पासवान को दलित समाज का खुलेआम समर्थन मिल रहा है। जी हां, खासकर मुकामा ब्लॉक के दलित समाज चिराग के पक्ष में यहां पर गोलबंद हो गए हैं। इस ब्लॉक के दलित बहुल अमोर गांव में पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। आपको बताते चले कि दलित समाज के लोगों का मानना है कि दिवंगत रामविलास पासवान ने पारिवारिक सदस्यों को सियासी पहचान दिलाई, आज उनके चिराग के साथ छिड़ी सियासी जंग में यहां पर स्वार्थ की बुआ रही है, ऐसे में चिराग पासवान को समर्थन देना चाहिए। सभी जाति धर्म समुदाय के लोग चिराग के पक्ष में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये पीके पारस और चिराग के बीच में जो दूरियां बन गई है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारामारी हो रही है, यह पीके पारस के संबंध में लोगों का विचार है कि पीके पारस को किसी ने कोई जानता नहीं है। सारा जनता देश का, स्टेट का सारा चिराग के साथ है। यही मेरा उद्देश्य है कि चिराग अपने को कमजोर नहीं महसूस करें। आने वाला दिन चिराग के साथ पूरा भारत, पूरा बिहार एक साथ एक हुजूम लगाएगा, इसलिए हम तमाम जनता उनके साथ है, चिराग के साथ। तो सुल्तानपुर में जिले में लगातार हो रही बारिश आम जीवन को यहां गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इलाके में बारिश का असर दोस्तपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
जहां यहां पर मही नदी पर बना शाही पुल यहां भूस्खलन से टूट गया। दोस्तपुर से अंबेडकर नगर के बीच संपर्क का एकमात्र यहां पर साधन टूटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पुल टूटने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा के तहत यहां बैरिकेडिंग फिलहाल लगा दिए हैं। जब से मैं आया हूँ दोस्तों में, तब से पुल की न कोई मरम्मत हुई है न एक बार मतलब पुल बनाया गया है। तो पुराना पुल है, 200-250 साल पुराना पुल है। दादा बाबा जानते होंगे भाई कब का बना है, लेकिन हमारी जानकारी में आज 30 साल में इसकी कोई मरम्मत वरम्मत नहीं हुई अभी तक, न इस पर एक बार लेयर इसका भी पड़ा है, एक भी बार इसके ऊपर लेयर भी नहीं पड़ा है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।